हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने रिसेंटली अपने बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन करवाया है, यानी कि हिस्टेक्टमी ऑपरेशन करवाया है, तो अब आपके दिमाग में दूसरा जो सवाल आता है कि अब मैं अपना ध्यान कैसे रखूं, मुझे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और मुझे फ्यूचर में क्या क्या परेशानियां आ सकती है। यही सारे क्वेश्चंस जब भी हम किसी मरीज़ का ऑपरेशन करते हैं, दूरबीन से बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन किया जाता है, तो ये सवाल हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन यानी कि बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन के बाद आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और आप अपना ध्यान कैसे रख पाएंगी, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। जब भी आपका बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन होता है, जिसको कि हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में हिस्टेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं, तो हिस्टेक्टमी अगर हुई है तो डेफिनेटली आपको ये भी पता होगा कि ओवरीज निकाली गई है या नहीं निकाली गई है। तो अगर यदि आपको ये नहीं पता, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए कि यूट्रस रिमूवल के वक्त ओवरीज को प्रिजर्व किया गया था यानी बचाया गया है या उन्हें निकाल दिया गया है। क्योंकि जनरली जो महिलाओं का सवाल होता है कि वो ये पूछा जाता है कि क्या अब हमारे घुटने में दर्द होने लग जाएगा, क्या हमारी कमर में दर्द होने लग जाएगा, क्या हमारी रोशनी कम हो जाएगी, तो ऐसा जनरली बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन के बाद नहीं होता है। लेकिन यदि ओवरीज निकाली गई हैं तो हार्मोन्स की कमी की वजह से कई बार बोन्स में वीकनेस आ जाती है या जोड़ों का दर्द या घुटने में दर्द शुरू हो सकता है। तो ये ज़रूर क्लियर कर लीजिए कि आपकी ओवरीज रखी गई है या निकाल दी गई है। अब जनरली हिस्टेक्टमी ऑपरेशन में ओवरीज नहीं निकाली जाती है जब तक कि उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। मरीज का एक क्वेश्चन और होता है कि क्या अब हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, तो कोई भी हार्मोन यूट्रस से नहीं बनता है, सारे के सारे हार्मोन्स ओवरीज से बनाए जाते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है या और भी कोई हार्मोन है। यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन के बाद जनरली एज सच कोई समस्या नहीं आती है। यूट्रस रिमूवल के बाद आपको पीरियड्स नहीं आएंगे यानी महीने नहीं आएंगे और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ये दो काम ऐसे हैं कि जो यूट्रस रिमूवल के बाद नहीं होते हैं। इसके बाद आपको बाकी सारे जो भी आपके बॉडी के रूटीन फंक्शंस हैं वो आराम से चलते रहते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हार्मोन इंबैलेंस का टेंशन सबसे ज़्यादा होता है महिलाओं को यूट्रस रिमूवल के बाद में। तो यदि ओवरीज प्रिजर्व की गई हैं तो हार्मोन इंबैलेंस नहीं होता है, क्योंकि सारे हार्मोन्स जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो ओवरीज में बनते हैं, ना कि यूट्रस में। इसलिए यूट्रस रिमूवल से हार्मोन्स के लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आपका दूरबीन से ऑपरेशन हुआ है, तो हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि दूरबीन के ऑपरेशन के बाद किसी तरीके का जनरली कोई परहेज नहीं बताया जाता है। और स्पेसिफिकली यदि यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है तो नॉर्मल कोई प्रिकॉशंस नहीं होती हैं, लेकिन इंटरकोर्स का परहेज़ ज़रूर बताया जाता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको 2 से 3 महीने के लिए परहेज़ बताया जाता है। क्योंकि इसमें वजाइना के टॉप के ऊपर स्टिचेस लगते हैं और इंटरकोर्स के बाद उन टांकों का खुलने का या फटने का खतरा हो सकता है, इसलिए ये स्पेसिफिक प्रिकॉशन हिस्टेक्टमी ऑपरेशन के बाद ही बताई जाती है। यदि आपका गांठ निकालने का ऑपरेशन हुआ है यूट्रस का या ओवरीज का, तो उसमें ये परहेज़ नहीं होता है। इसके अलावा यूट्रस रिमूवल के ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा स्क्वैटिंग पोजीशन के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चेदानी का रास्ता नीचे से ढीला होता है तो कई बार उसको भी टाइट किया जाता है। तो स्क्वैटिंग यानी कि नीचे उकड़ू बैठने में कई बार टाँकों पर खिंचाव आ सकता है, तो उसके लिए 2-3 हफ्ते के लिए मना किया जाता है। उसके बाद में आप अपना नॉर्मल रूटीन रिज्यूम कर सकती हैं। यूट्रस रिमूवल के ऑपरेशन के बाद किसी तरीके का हार्मोन रिप्लेसमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है और खाने पीने में भी किसी प्रकार का बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट डेफिनेटली अगर आपकी सर्जरी हुई है तो हम आपको ज़रूर कहेंगे कि आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाइए, ताकि आपको बराबर एनर्जी मिलती रहे और आपका शरीर जो भी सर्जिकल ट्रॉमा है उससे जल्दी से रिकवर हो सके। और सर्जरी होने के बाद बेड रेस्ट हम लोग जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं। आप अपना रूटीन एक्टिविटीज़ बनाए रखिए, यानी कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नॉर्मल खाना पीना आप करते रहिए, ताकि कि शरीर में प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे और आप वीकनेस फील ना करें। और यदि आपके दिमाग में ये टेंशन आती है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी या घुटने कमज़ोर हो जाएंगे या बैकएक शुरू हो जाएगा, तो यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन के बाद जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है। बट डेफिनेटली आप अच्छा ज़रूर फील करने लग जाती है, क्योंकि किसी न किसी बीमारी के कारण आपका यूट्रस का ऑपरेशन होता है, जैसे कि फाइब्रॉइड हो गया, कैंसर हो गया या और कोई ऐसी तकलीफ हो सकती है जिसकी वजह से आपने यूट्रस का रिमूवल करवाया, यानी कि आपको महीना भारी आ सकता है या और कोई समस्या हो सकती है। तो यदि महीने आना बंद हो जाता है तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, खून की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि अब लॉस होना बंद हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको वीकनेस की जगह स्ट्रांगनेस फील होती है, कमज़ोरी और चक्कर आना बंद हो जाते हैं
और आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, क्योंकि बीमारी का जो नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहा था वो अब ख़त्म हो गया है, तो आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकती है। तो यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन के बाद जनरली हमारी तरफ से एज सच कोई मेजर प्रिकॉशंस नहीं होती हैं। जो दो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं आपको, जो सबसे मेजर प्रिकॉशन है वो इंटरकोर्स की है कि 2 से 3 महीने के लिए परहेज़ रखना होता है और बहुत ज़्यादा उकड़ू नहीं बैठना होता है। इसके अलावा आप सारे काम कर सकती हैं, यानी कि जैसे रूटीन दूरबीन के ऑपरेशंस के बाद भी हम बताते हैं कि एक दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। खाने पीने का किसी तरीके का परहेज़ नहीं होता, आप सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती है, नीचे बैठ सकती हैं और आप सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती है और नीचे झुक सकती हैं और नीचे पाटी पर बैठ सकती हैं और रूटीन अपना चाय पानी का काम कर सकती हैं। हम ज़रूर ये ज़रूर सलाह देंगे कि आप बहुत सारा पानी पीजिए और न्यूट्रिशंस का या खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखिए और दूध ज़रूर पी लीजिए सुबह शाम, ताकि आपको कैल्शियम बराबर मिलता रहे और आपकी हड्डियाँ भी स्ट्रांग बनी रहे। और यदि सर्दी का टाइम है तो आप गुनगुनी धूप में ज़रूर बैठे, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जिससे कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और हड्डियाँ भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन है जो सनलाइट से बनता है, इसलिए धूप में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह शाम की गुनगुनी धूप बहुत अच्छी होती है, आप अच्छे से उसमें टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपका मूड एलिवेट होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और बीमारियों से भी रक्षा होती है। मैं समझती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और फिर भी यदि कोई सवाल छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं और हम लोग उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।